तव कथाममृत तजीवनम कवि भीड़ी कलम शापम श्रवणमंगल श्रीमदात भुवि गृण भुरीदना ओंकार के बारे में बात चल रहा था महर्षि पतंजलि बताया कि ईश्वर के प्रति भक्ति करने से भी मन एकाग्र होगा ईश्वर और प्रधानाद और सबके जैसे एक नाम रहता है परमात्मा का वैसे एक नाम है जो है ओम हम लोग ये चर्चा किया जैसे नाम और रूप संबद्ध है कोई भी भावना हमारे मन में आते हैं साथ साथ उसके नाम भी आ जाता है नाम बहिरांश भी भाव भीतरांश यद्यपि ईश्वर भी दृश्यमान नहीं है लेकिन उनके एक नाम अगर हम पकड़ के रहे धीरे धीरे वो प्रकट हो जाएगा यही है रहस्य दिस इज सीक्रेट तो ईश्वर यद्यपि एक है उनका अनेक नाम हो सकता है विभिन्न विभिन्न भाषा अनुसार संस्कार अनुसार देश अनुसार लेकिन बाचक एक ही है सब ईश्वर को जो हम देखा है अल्लाह गौर ईशा मुशा जो विभिन्न नाम है लेकिन ईश्वर एक ही है अभी इसमें से और एक चीज़ देखा सब यद्यपि अलग नाम है एवं अलग उनका ध्वनि है साउंड इज ऑल्सो डिफरेंट लेकिन इस सब के भीतर एक कॉमन ध्वनि होगा अनु है ओंकार ओम ओं, जिसके बारे में बोला गया इसको एक पिक्यूलियर फिलोसफी डेवलप किया है बीज मंत्र जैसे एक पेड़ का एक बीज रहता है वैसे ही ईश्वर के एक एक रूप के एक, -एक बीज रहता है और जिस रूप का वो बीज है उसको कहलाता है इष्ट चोजेन आइडियल वो बीज रूपी मंत्र अगर हम दोहराएं तो धीरे धीरे वो इष्ट प्रकट हो जाएंगे जैसे कि परमात्मा का ओंकार बोला वो इसी परवर्ती ऋषि का नविष्कार किया इसे शक्ति मंत्र का बीज है रिंग वैसे अग्नि मंत्र है उसका बीज है रा गुरु का है आइंग प्रेम स्वरूप भगवान का है क्लींग विभिन्न तो प्रकार का इष्ट का विभिन्न है हनुमान जी का रंग ऐसी करके विभिन्न है अभी अब देखेंगे जैसे गुरु है ऐम तो भगवान श्री रामकृष्ण का जब प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं या पुष्पांजलि मंत्र बोलते हैं तब तो हम देखेंगे ओम ऐम सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री राम कृष्णाय नमः और श्रीमा शारदा देवी क्या होता है ओम एम रिंग वो शक्ति मंत्र से पुटित है तो जैसे कि नाम पुकारने से वो व्यक्ति आ जाते हैं वैसे ईश्वर का नाम पुकारने से ईश्वर आ जाएंगे इसलिए बताया तस्य बाचक है प्रणव इसमें और एक अर्थ है और एक गुण भावना दिया है सिर्फ दोहराने से नहीं होगा वाई रिपीटिशन कारण हम देखे हैं पहले ही बताया कोई चीज बारंबार करने से वो आदत बन जाता है अगर कुछ अच्छा चीज़ किया जाए धीरे धीरे इट फॉर्म्स गुड हैबिट्स कुछ बुराई बारंबार किया जाए इट फॉर्म्स बैड हैबिट्स और स्वामी विवेकानंद कहते हैं दी सम टोटल ऑफ द हैबिट इज डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन चरित्र अच्छा बुरा चरित्र है वो हमारा आदत के अनुसार हैबिट के अनुसार और बारम्बार करने से होता है तो अगर हम भगवान का नाम बारम्बार उच्चारण करें तो हमारा मन में एक सद्भावना होगा सदचिंतन होगा तो ये भावना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन नाम एक तो मैकेनिकल चीज़ है पर तो नाम के साथ वो भावना होना चाहिए तभी होगा इसीलिए महर्षि पतंजलि परवर्ती सूत्र में कहते हैं तथ जप तत् अर्थधारणम दिस इज इम्पॉर्टेंट मैकेनिकली जो अगर नाम हम बोलते रहें उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर संस्कार एंड फॉर्मेशन ऑफ आवर कैरेक्टर ये बहुत गुड़ चीज़ है इसीलिए कहा जाता है जो मंत्र दिया जाता है मंत्र का अर्थ भी मंत्र जप करते समय याद रखना पड़ेगा इट इज नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस इट इज ए मेंटल प्रोसेस स्पिरिचुअल प्रोसेस तो वो अर्थ हमें याद रखना चाहिए जो वो बीच का द्योतक है जब हम भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप कर रहे हैं तब मंत्र जाप करते समय श्री कृष्ण का जो गुणावली बोली उनका दैवी कार्याजा बोली उनका चरित्र उनका वाणी ये सब आ जाता है और इससे श्री कृष्ण के भावना से हमारा मन भरपूर हो जाता है तो इसी चिंतन करते करते श्री कृष्ण का जो गुनाबुली हमारा भीतर वो प्रवाहित हो जाता है इसीलिए बताया जो अर्थधारण सबसे महत्वपूर्ण है अभी इसी को रिपीटेशन करने के लिए जब बोला है और ये जप करने से श्रीमा शारदा भी कहते हैं जपात सिद्धि बस तो आध्यात्मिक जीवन में अनेक प्रकार का उपाय है ईश्वर लाभ करने के लिए लेकिन ये जो उपाय पतंजलि योगशास्त्र से हमें मिलता है श्रीमा शारदा देवी इसको प्राधान्यता दिया है क्योंकि ये एक करणीय कार्य है वी कैन परफॉर्म एक्शन ओरिएंटेड स्पिरिचुअल प्रोग्राम बाकी सब कुछ है क्वालिटेटिव भक्ति करो चिंतन करो प्यार करो ये सब क्वालिटेटिव चीज़ है लेकिन ये जो है ये क्वांटिटेटिव चीज़ है जप करना कितना जब करेंगे वो आप काउंट कर सकते हैं इसीलिए जब का जो संख्या गणना कभी बात कर दिया प्राथमिक समय में संख्या गणना करना चाहिए वो भी गुरु मंत्र का देना का समय कर्म जब दिखवा देते हैं हमारा हाथ का जो पोर है जो रेखा है उसको मानते हुए 108 बार ऐसी करके जब सिखाते हैं फिर माला से भी जब किया जाता है तो एक क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है प्राथमिक जीवन में और तब हम एक ताकि मन इधर उधर न चले जाए हम अगर गिनती करके करें इसका भी विधान है तब मन धीरे धीरे लक्ष्य के प्रति जाएगा नहीं तो आप बैठ के जब कर रहे हैं कब मन इधर उधर चलेगा तो ये वन पार्ट ऑफ द माइंड इज इंगेज इन काउंटिंग द बीड्स और काउंटिंग योर फिंगर और गुरु बता देते हैं कि तो कितना शंखा करना पड़ेगा तो साधारणतः वन एन एडे इट ओमेन गुड गुड पावन फिगर है तो कहलाता है कम से कम सुबह शाम एक सौ आठ बार करके करना चाहिए उसके बाद जितना अधिक होगा उतना अच्छा है <coughs> तो हमें अनुसंधित सा आता है कि कितना जब करना चाहिए कि जब जो करना है समय भी ज़्यादा कम लगता है मंत्र का वो लेंथ अनुसार तो इट इज़ वेरिएबल एक एक रूप नहीं होगा लेकिन मोटा मोटी जे जनरल ऑर्डर क्या है अभी गुरु जैसे बताते हैं वो तो पालनी है लेकिन सीमा शारदा देवी वो खुद अपने जीवन में डेली लाख जाप करते थे उनके तो जीवनी में है और ये नहीं है वो दिन भर खाली जाप ही करते रहते थे आपने जीवन में करके दिखाया सुबह में उनका तो सोने का कोई अवसर नहीं था वो तो ठाकुर आके उठा देते हैं सुबह से जॉब ध्यान शुरू करना पड़ता तीन बजे से उठा देते हैं माँ का जीवनी में है तीन बजे उठकर वो ध्यान करते थे चंद्रमा का ओर देखते हुए और प्रार्थना करते थे तुम्हारे भीतर भी कलंक है मेरे भीतर कोई कलंक ना रहे और रात को भी उनको सोते सोते बहुत देर हो जाता था भक्तगण को आदि का बंदोबस्त करना पड़ता था तो निरंतर कर्म करते थे एवं दोपहर में भी उसको करने के लिए ठाकुर को जो उसको ड्यूटी दे देते दे हैं ताकि उसका मन खुला ना रहे दिन भर निरंतर कर्म करते हुए भी श्री माँ शारदा देवी इतना ही जब करके हमें दिखाया कि आध्यात्मिक जीवन बहुत लगन से लेना चाहिए इसको हल्कापन से ना लिया चाहिए और जितना ही हम भगवान का नाम लेते रहेंगे उतना ही हमारे कल्याण है उतना ही भावना से हम ओ तो प्रोत हो जाएंगे उतना ही जल्दी हमारा भगवत भाव से हमारा मन भावित तो हो जाएगा जब वो भाव घनीभूत हो जाएगा तब भगवान प्रकट हो जाएंगे यही सिंपल समाधान है लेकिन भक्तगणों के लिए उनका क्या विधान है वो भी बताए जो जितना हो सके करो कितना अगर आठ हजार आगा दस हज़ार जितने तुम्हारा तो सामर्थ्य है करते रहो तो एक भक्त आके बोला कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार का समस्या है कष्ट है चिंतन है तनाव है हम क्या करें श्रीमा शारदा देवी ने आखिर में बताया अगर कोई श्रद्धा सहकार नाम जप करे, तो कोई तनाव या विपत्ति कुछ नहीं होगा वो जबरदस्ती करके बोलते मैं जोर से मैं हमारा मन मन से बता रहा हूँ अगर कोई दैनंदिन बीस हजार जब करें तो उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं होगा मैं खुद करके देखी हूँ लेकिन ये हार्डवर्क करके नहीं करना चाहिए इसमें विपत्ति होगा मन में रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे जिसको जैसा आध्यात्मिक प्रस्तुति है ये जानकारी के लिए कहा जा रहा है कि ये इसी करके किया जाता है ये नहीं है करना असंभव है ये भी साधक साधिका गण करते रहते हैं लेकिन ये सबके लिए प्राथमिक रूप से प्रयोज्य नहीं है जो जहाँ पर है उसे धीरे धीरे बहुत धीरे आध्यात्मिक जीवन का आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन ये पतंजलि का जो विवरण दिया है योग शास्त्र में ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड बताया कि मन को संयत करने के लिए मन में एक भगवान का बाचक बीज रोपण कर दिया और जैसे बीज बोने से धीरे धीरे पौधा होता है बाद में पेड़ बन जाता है वैसे ही भगवान का जो नाम का बीज है वो हम जैसे दोहराएंगे धीरे धीरे उसका पुष्टिकरण होगा उसका भावना वृद्धि होगा भावना के साथ करना पड़ेगा तथा अर्थधारणों तो तो अभी करने से तब भगवान का आखिर में रूप होगा वही हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर का प्रत्यक्ष करना और ये है ईश्वर का कर प्रत्यक्ष करने का एक सहज एवं हमारे पहुंच के भीतर एफोर्डेबल रीचेबल वे ऑफ गेटिंग स्पिरिचुअली अलाइंड अभी ये जो प्रसंग हम लोग इतना दिन कर रहे हैं ये सब कुछ है ठाकुर का जो कहा हुआ था मन को समाधि में लगाने के लिए मन को नियंत्रित करना चाहिए या आखिर बाद में कहा है मन को कर नियंत्रित करने का यह है वन ऑफ़ द रीजन्स वन ऑफ द मेथड्स वन ऑफ़ द वेरी साइंटिफिक एंड वैलिड मेथड्स रिकमेंडेड बाई सीमा शारदा देवी माँ हमारे लिए बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं माँ बारम बार कहा करते थे जपात सिद्धि तो जब से सिद्धि अनिवार्य है और हमें जब दीक्षा काल में गुरु मंत्र देते हैं यही मेथड हमें बताते हैं जो इसका जितना रुचि है जिसका जितना सामर्थ्य है जिसके ऊपर जितना भगवान का कृपा है वो उतना ही करेंगे एवं हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए ताकि भगवान का नाम लेते हुए हमारा जीवन ईश्वर दर्शन करते हुए सफल हो जाए ओ, शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण आज मंगलवार का अवसर है शाम को हनुमान चालीसा आरती के बाद आप लोग सब स्वागत है अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार